नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में मल्टीपल टॉपिक में आपको बताने वाली हूँ, तो वन टू वन हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो को आप देख के काफ़ी सारे टॉपिक्स सीख सकते हैं कि टैली प्राइम में आपको कैसे वर्क करना है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान भंडार के बारे में, जिसमें कि मैं आपको मल्टीपल टॉपिक सिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ज्ञान भंडार का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेलीप्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड सबसे पहले जो हम एडवांस पे करेंगे पार्टी को, उसकी एंट्री हमें करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। ऐप टू प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस भी डेट में आप एडवांस पे करते हैं। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे डेबिट करना है पार्टी को, जिस पार्टी को आप यहाँ पे एडवांस पे करेंगे। तो हम यहाँ पे किरात लिमिटेड को एडवांस पे कर रहे हैं, 30,000 हम एडवांस पे कर रहे हैं, इसलिए 30,000 फिल कर लेंगे। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम एडवांस पे कर रहे हैं। किस बैंक से कर रहे हैं वो बैंक आप सेलेक्ट कर लीजिए। बैंक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। चेक नंबर एंड नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो एडवांस में पे कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमने एडवांस की एंट्री कर ली है। अब चलिए देख लेते हैं गो टू में चल के। उसके बाद हम चलेंगे लेजर रिपोर्ट्स में, देन लेजर वाउचर्स में चलेंगे एंड यहाँ से उस पार्टी का लेजर ओपन कर लेंगे। किरात लिमिटेड पार्टी का लेजर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट की एक एंट्री शो हो रही है, जो हमने पेमेंट एडवांस में किया था 30,000 डेबिट साइड पे शो हो रहा है। इसके बाद देखिए जब हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जब हम बिल रिसीव करते हैं, अब हमने यहाँ पे फर्नीचर परचेस किया है पार्टी से, तो यहीं से एल्ट ए प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से परचेस वाला वाउचर आपको सेलेक्ट करना है एंड इस टाइप के वाउचर मोड में आपको फिक्स असेट्स की एंट्री करनी है। आप चाहें तो यहाँ से वाउचर को चेंज मोड पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अकाउंटिंग इनवाइस, ये मोड आपको सेलेक्ट करना है। फिक्स असेट्स की एंट्री हम अकाउंटिंग इनवाइस में करते हैं। अब यहाँ से ऐप टू प्रेस कर लीजिए एंड जिस डेट में आपने परचेस किया है वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। सप्लायर्स इनवाइस नंबर, तो जो पार्टी का इनवाइस नंबर है, जो परचेस का बिल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। देन पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। एल्ट सी प्रेस करके आप यहीं से पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं है तो। तो यहाँ पे हम पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पार्टिकुलर में हम सेलेक्ट करेंगे, फर्नीचर हमने परचेस किया है इसलिए हम यहाँ पे फर्नीचर का लेजर सेलेक्ट करेंगे एंड फर्नीचर का लेजर सेलेक्ट करने के बाद हमने जो फर्नीचर परचेस किया है वो 50,000 का है, तो अमाउंट हम यहाँ पे फिल कर लेंगे 50,000। जो भी अमाउंट आपका है वो अमाउंट आप फिल कर लीजिए। अब देखिए जो हमने फर्नीचर परचेस किया है उस फर्नीचर के ऊपर पार्टी ने हमसे फ्रेट चार्जेस भी लिया है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इनवर्ड फ्रेट चार्जेस। तो यहाँ पे अमाउंट 1500 चार्ज किया है पार्टी ने, तो यहाँ पे 1500 हम फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आप लोकल में परचेस करते हैं तो CGST SGST टैक्स अप्लाई कर लीजिए। अगर आपने इंटरेस्ट रेट से परचेस किया है तो इनपुट IGST टैक्स अप्लाई कर लीजिए। तो इस टाइप से कम्प्लीट इनवाइस परचेस का हमने कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे जो ग्रैंड टोटल शो होता है उस पर आपको एंटर प्रेस करना है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो यहाँ आप अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपने 30,000 का एडवांस दिया था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है।
सपोज कीजिए जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का ऑप्शन अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो क्या रीज़न है, मैं भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको चेक करना है पार्टी का लेजर, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कीजिए, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को देखिए ध्यान से, मेक श्योर कि ये ऑप्शन यस होना चाहिए। एंड जहाँ पे ग्रैंड टोटल अमाउंट शो होती है वहाँ पे आप आ जाइए एंटर प्रेस करके, यहीं से आपको एक्चुअल प्रेस करना है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन शो होता है यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल अलोकेशन, तो ये ऑप्शन भी यस होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन यस होना चाहिए तभी आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट वाला ये स्क्रीन शो होगा। अब यहाँ से हम अगेंस्ट रेफरेंस करके जो एडवांस हमने पार्टी को 30,000 का पे किया था, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो उसको आपको यहाँ पे इस परचेस इनवाइस में एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैनुअल आपको टाइप करना होगा, अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए एंड जो 30,000 है आपको मैनुअल करना है। तो यहाँ पे मैनुअल हम टाइप कर लेते हैं 30,000 आप यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। एंड उसके बाद देखिए न्यू रेफरेंस लेते हुए जो बैलेंस अमाउंट है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है 30,770 बैलेंस अमाउंट है। तो इस टाइप से इनवाइस कंप्लीट हो चुका है, हमने एडवांस भी एडजस्ट कर लिया है। राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आपको GST टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करना है। लेफ्ट एरो शो होगा उस पर क्लिक कीजिए, देन डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आप GST टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं फर्नीचर पे। एंड जो फ्रेट चार्जेस है उसके ऊपर देखिए टैक्स अप्लाई हो चुका है, यानी कि जो हमने परचेस की एंट्री की है वो करेक्ट है। तो इस टाइप से टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं आप। प्रिंट पे क्लिक कीजिए, करेंट पे, देन प्रीव्यू पे क्लिक करके आप परचेस इनवाइस का प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको अपने इनवाइस का प्रिंट प्रीव्यू देख लेना है अगर आप देखना चाहते हैं। तो इस टाइप से हमने देख लिया। अब चलिए चलते हैं गो टू में। चलने के बाद हम चलते हैं पार्टी का लेजर ओपन कर लेते हैं। तो लेजर रिपोर्ट्स में चलना है आपको, लेजर वाउचर्स में किरात लिमिटेड का हम यहाँ पे लेजर ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो हमने 30,000 का एडवांस पे किया था एंड उसके बाद जो हमने 60,000 का परचेस किया है, बैलेंस अमाउंट है 30,770, इतना हमें पार्टी को पे करना है। तो इस टाइप से आप पार्टी का लेजर एनालाइज कर सकते हैं। चलिए गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको फिक्स असेट्स के अंडर में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए फर्नीचर के अंडर में 50,000 आपको जो हमने परचेस किया था वो एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब चलिए जो बैलेंस पेमेंट है 30,770 उसकी एंट्री कर देते हैं। तो यहीं से एल्ट ए प्रेस कर लीजिए, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए करेंट बैलेंस आपको 30,770 शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको परचेस इनवाइस को एडजस्ट कर लेना है जो बैलेंस अमाउंट था। उसके बाद किस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं उस बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। इस टैब से जो बैलेंस पेमेंट थी वो भी हमने एडजस्ट कर लिया। अब चलिए अगेन चलते हैं गो टू में, देन चलते हैं लेजर रिपोर्ट्स में एंड उसके बाद हम पार्टी का जो लेजर है वो ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी का जो लेजर है वो नील हो चुका है, यानी कि हमने जितना का परचेस किया था उतने का हमने पेमेंट पार्टी को कर दिया है। तो इस टाइप से अगर आप फिक्स असेट्स के लिए एडवांस में पेमेंट करते हैं तो ऐसे एंट्री कर सकते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको लेजर को क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे जाएंगे एंड देन लेजर पे जाएंगे, यहाँ से आप लेजर को क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको शो करती हूँ। एल्टर पे जाके, लेजर पे जाके एंड जो सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे उस पार्टी का क्रिएट करेंगे जिनको हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुमन एजुकेशन हब नाम से मैंने लेजर क्रिएट किया है। अंडर सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। पार्टी का एड्रेस, स्टेट एंड GST नंबर फिल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे सेल्स का, अंडर सेल्स अकाउंट आपको क्रिएट करना है एंड इसके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा। स्टेट एल्टर GST डिटेल में नो कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब हम टैक्स वाला लेजर क्रिएट करेंगे IGST, जैसे कि हम इंटरस्टेट पार्टी को सेल कर रहे हैं
इसलिए हम इस पर IGST अप्लाई करेंगे। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में GST एंड टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट कर लीजिए। इसी टाइप से अब नेक्स्ट लेजर क्रिएट कर लेते हैं कैश डिस्काउंट का। अंडर आपको क्रिएट करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के इस लेजर को क्यों क्रिएट किया है। अगर आप कैश डिस्काउंट असेसेबल वैल्यू के बाद देते हैं एंड उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं तो आपको क्रिएट करना है कैश डिस्काउंट का लेजर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। और आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कब क्रिएट करेंगे, अगर आप कैश डिस्काउंट असेसेबल वैल्यू के बाद टैक्स अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद अगर आप डिस्काउंट देते हैं तब उस केस में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इस लेजर को क्रिएट करना है। तो इस टाइप से हमने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आपको F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है जिस भी डेट में आप इनवाइस करेंगे। जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर क्रिएट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए सेल्स लेजर में सेल्स एंड नेम ऑफ आइटम में जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे केबल सेल किया है 2000 pieces 10 rupees के रेट के अकॉर्डिंग, तो टोटल जो अमाउंट है 20,000, ये एसेसेबल वैल्यू है। अब पार्टी हमसे कहती है कि आप 20,000 तक का अगर आप हमसे परचेस करते हैं तो हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे देखिए कैश डिस्काउंट का लेजर मैंने क्रिएट कर लिया है एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए जो डिस्काउंट है आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज माइनस में शो करना चाहिए आपको। तो -1% हमने डिस्काउंट यहाँ पे शो कर लिया है। इसके ऊपर हमने टैक्स अप्लाई कर लिया है, तो जो इनवॉइस है वो कम्प्लीट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं टैक्स एनालिसिस तो कैसे आप देख सकते हैं, आपको राइट हैंड साइड से मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है, देन GST टैक्स एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे एंड राइट हैंड साइड पे लेफ्ट एरो शो हो रहा है उस पर क्लिक कीजिए, देन डिटेल्ड पे। तो आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपको जो टैक्सेबल वैल्यू है 20,000 है एंड उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट हमने दिया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और जो कैश डिस्काउंट था उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो क्या रीज़न है, चलिए देख लेते हैं। जो हमने कैश डिस्काउंट किया था उस लेजर को आपको Ctrl+Enter प्रेस करना है, चेक करना है कि इसमें क्या मिस्टेक्स है। इज GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना था नॉट एप्लीकेबल एंड इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, तो यहाँ पे GST अप्रोप्रिएट टू, तो यहाँ पे गुड सेलेक्ट कर लीजिए एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो बेस्ड ऑन वैल्यू करके इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। अब ये लेजर जो है वो सही हो गया है। यहाँ पे -1% एंड जो डिस्काउंट है वो भी माइनस में हमें शो करना है, ऑटोमेटिकली ये माइनस में पिक कर लेता है। अब चलिए अगेन हम मोर डिटेल्स में चलते हैं, टैक्स एनालिसिस में चलते हैं, एरो जो है छोटा सा उस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन शो होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। तो अब सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो केबल सेल किया था 20,000 का उसके ऊपर 20,000 के ऊपर 200 जो है कैश डिस्काउंट माइनस हो गया है, 19,800 के ऊपर टैक्स अप्लाई हो चुका है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं इनवॉइस की एंट्री करने के बाद। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो यहीं से हम प्रिंट पे जाएंगे एंड उसके बाद हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए प्रिंट पे आपको क्लिक करना है, देन करेंट पे आप क्लिक कीजिए एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहीं से F4 प्रेस कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से शो होगा। 20,000 का हमने जो सेल किया था उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो माइनस हो के एंड उसके बाद टैक्स अप्लाई हुआ है। तो इस टाइप से अगर आप कैश डिस्काउंट देते हैं किसी पार्टी को तो इस टाइप से आपको इसकी एंट्री करनी है। अब उसके बाद देखिए चलिए GoTo में चलते हैं, देन लेजर रिपोर्ट्स में चलेंगे एंड उसके बाद लेजर वाउचर में चल के जो कैश डिस्काउंट का लेजर है वो भी मैं आपको शो करती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैश डिस्काउंट में 200 अमाउंट आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आप लेजर एनालाइज करना चाहते हैं तो लेजर को भी एनालाइज कर सकते हैं। कैसे आपको अपने पार्टी यानी कि जो आपके सन्ड्री डेटर्स हैं, जो आपके बायर्स हैं, उनके लेजर में आपको कैसे क्रेडिट लिमिट को सेट करना है। क्रेडिट लिमिट आप पार्टी का लेजर क्रिएट करते टाइम भी कर सकते हैं
एंड अगर आपके पास ऑलरेडी पार्टी का लेजर क्रिएट है तब भी आप कर सकते हैं। क्रिएट पे आपको जाना है, लेजर पे जाना है, यहाँ से आप न्यू पार्टी का लेजर क्रिएट करके एंड क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो मैं लेजर को ओपन करके शो करती हूँ। ये देखिए हमारी पार्टी है सन्ड्री डेटर्स, यानी कि जो हमारे बायर्स हैं जिनको हम सेल करते हैं। इस लेजर में हम क्रेडिट लिमिट को सेट करेंगे, तो यहीं से ऐप 12 पे प्रेस कीजिए, शो मोर कॉन्फिगरेशंस, इस दोनों ऑप्शंस को आपको यस करना है सो दैट सारे ऑप्शंस आपको अपीयर हों एंड आप उसको यूज़ कर सकें। अब यहाँ देखिए प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स, ये ऑप्शन नो है, आपको यस करके कंट्रोल ए प्रेस करके इस ऑप्शन को सेव कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको शो होगा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, तो इस पार्टी के लिए आपको क्रेडिट लिमिट सेट करना है कि कितना आप क्रेडिट लिमिट इस पार्टी को देना चाहते हैं, वो फिगर में आपको अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का इस पार्टी को क्रेडिट लिमिट सेट करके सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट लिमिट सेट कर लिया है। एक और पार्टी का लेजर ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने एक और पार्टी का लेजर ओपन कर लिया है। अब इस पार्टी के लिए देखिए मैंने 2.5 लाख की क्रेडिट लिमिट सेट कर दी है। जितना भी आप क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं वो लिमिट आप फिगर में सेट कर सकते हैं। एक और मैं आपको शो करती हूँ। इस पार्टी के लिए देखिए हमने जो स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट किया है वो किया है 2 लाख रुपीज़ का। अगर आप करेक्शन करना चाहें तो आप करेक्शन भी यहाँ से कर सकते हैं। सो इन दिस वे आप किसी भी पार्टी का लेजर ओपन करके उसमें क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास जो सारी पार्टीज़ हैं, सारी पार्टीज़ में आप क्रेडिट लिमिट सेट नहीं करना चाहते, कुछ पार्टी को ही आप क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं, तो इस टाइप से आपको लेजर को ओपन करना है एंड यहाँ पे स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट जो है वो अमाउंट आप जो भी क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। करेक्शन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ हमने क्रेडिट लिमिट पार्टी के लिए सेट कर लिया है। टेलीग्राम को ओपन कर लीजिए। अब मैं यहाँ से आपको बताऊँगी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको डेट फॉर्मेटिंग कैसे सेट करना है। आप यहां पे डेट देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 2023 तक हमारा डेट सेलेक्ट है। अगर आप कंपनी स्प्लिट नहीं करते हैं तो वहां पे आपको कैसे अपने डेट फॉर्मेटिंग को सेट करना है वो हम यहां पे देखेंगे। तो टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए एंड गेटवे ऑफ टैली से हमें जाना है एल्टर पे। एल्टर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको वाउचर टाइप का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेल्स, क्योंकि हमें सेल्स के लिए इनवाइस फॉर्मेटिंग को सेट करना है, इसीलिए हम यहाँ से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर प्रेस कर लीजिए, सेल्स वाउचर ओपन हो चुका है। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट करना है एंड यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं होता है तो राइट हैंड साइड से ऐप 12 प्रेस करके यहाँ पे इस ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए तो ये ऑप्शन आपको शो होने लगेगा। यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है एंड यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन शो हो रहा है स्टार्टिंग नंबर, तो आपका जो स्टार्टिंग नंबर है, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो इनवॉइस की जो नंबरिंग है वो हम 1 से करेंगे, इसलिए स्टार्टिंग नंबर आपको 1 सेलेक्ट कर लेना है। विड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है आपके इनवॉइस की, जैसे कि 01 हो गया तो आप यहाँ पे 2 रख सकते हैं, 001 रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 रख सकते हैं एंड सिर्फ आप 1 रखना चाहते हैं तो यहाँ पे विड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट में आपको 1 करना है, तो हमें यहाँ पे 01 करना है इसलिए हम 2 करेंगे। प्रीफिल विथ 0, यानी कि 01 करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 01 करना चाहते हैं तो यस कर लीजिए, अगर नहीं चाहते तो आप नो कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा जो प्रीवियस ईयर के लिए हमने नंबरिंग सेट की थी, रिस्टार्ट नंबरिंग, तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 2022 करना है, तो 1 अप्रैल 2022 कर लीजिए, स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा। एंड देन आपको ईयर सेलेक्ट करना है प्रीफिक्स डिटेल में, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 आपको करना है, हमारा जो लास्ट ईयर का था,
तो उसके बाद जब न्यू ईयर के लिए करना है तो 1 अप्रैल 2022 कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए जो आपका इनवॉइस का फॉर्मेटिंग आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। हमने यहाँ पे रखा है SV स्लैश करेंगे हम तो 2022-23 स्लैश करेंगे एंड उसके बाद देखिए सफिक्स डिटेल में एप्लीकेबल फ्रॉम कब से एप्लीकेबल करना है 1 अप्रैल 2022 करके इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने न्यू ईयर के लिए इनवॉइस की फॉर्मेटिंग कर ली है। अब चलिए मैं आपको शो करती हूँ कि जो हमने सेटिंग की है वो प्रॉपर हुई है कि नहीं। तो गेटवे ऑफ टेली से आप की प्रेस कर लीजिए, सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2022 मैंने डेट भी सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनवॉइस की जो फॉर्मेटिंग है SP/22-23/01 है। तो इस टाइप से आप किसी भी कंपनी में न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते टाइम आप अपने इनवॉइस की फॉर्मेटिंग कर सकते कि टैली प्राइम में आपको डिलीवरी चलान कैसे कैंसिल करना है। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले आपको DSS प्रेस करना है। टाइप ऑफ वाउचर में यहाँ पे आपको डिलीवरी नोट शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे शो हो रहा है मार्च मंथ में हमने 2 चलान बनाया हुआ है, 2 डिलीवरी चलान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर कोई डिलीवरी चलान है जो आपने बना दिया है एंड वो डिस्पैच नहीं हुआ या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपको अगर उस डिलीवरी चलान को कैंसिल करना है तो जिस डिलीवरी चलान को कैंसिल करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहीं से आपको Alt+X प्रेस करना है। Alt+X प्रेस करते ही टैली प्राइम आपको एक ऑप्शन शो करेगा कैंसल सेलेक्टेड, यानी कि टैली प्राइम आपसे पूछ रहा है जो आपने डिलीवरी चलान सेलेक्ट किया है क्या आपको वो कैंसिल करना है। कैंसिल करना है तो यस प्रेस कीजिए, अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप नो प्रेस कर सकते हैं। तो इस टाइप से देखिए मैंने कैंसिल यस कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने चलान सेलेक्ट किया था वो कैंसिल हो चुका है। तो इस टाइप से अगर कोई डिलीवरी चलान आपने बना दिया है, बाद में वो डिस्पैच नहीं हुआ किसी भी रीज़न की वजह से और आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो Alt+X प्रेस करके कैंसिल कर सकते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो सेल का डेटा है उसको एक्सपोर्ट करेंगे सो दैट हम CA को उस चीज़ को फॉरवर्ड कर सकें। तो टैली प्राइम को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। देन आपको अदर्स का ऑप्शन शो होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स का ऑप्शन शो होगा। ड्रॉप डाउन में आप काफ़ी सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है मल्टी वाउचर, तो मल्टी वाउचर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का आपको डायलॉग बॉक्स शो होगा, तो यहाँ से आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर का ऑप्शन शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहले जो वाउचर टाइप है वो पेमेंट है, तो यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है एंड देखिए नेम ऑफ वाउचर टाइप, तो आपको यहाँ पर सेल्स टाइप करना है। लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में से आपको सेल्स वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो सेकेंड है वाउचर टू एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको रेगुलर ही रहने देना है एंड उसके बाद नेक्स्ट है पीरियड, तो यहाँ पे पीरियड आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए एंड यहाँ देखिए फ्रॉम टू, तो यहाँ पे फ्रॉम जब से आपको चाहिए, जिस पीरियड से जिस पीरियड तक का आपको सेल्स डिटेल देखना है आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1 ईयर का चाहिए तो आप 1 ईयर का डेट सेलेक्ट कर लीजिए, 6 मंथ का चाहिए, 3 मंथ का चाहिए या फिर एवरी मंथ का अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सेल्स का सॉफ्ट कॉपी, तो यहाँ पे आपको डेट फिल करना है। तो जस्ट एग्ज़ाम्पल अगर मैं अक्टूबर का आपको एक्सपोर्ट करके शो करूँ तो मैंने यहाँ पर जो पीरियड है वो सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल ए करके स्क्रीन को हम सेव कर लेंगे एंड यहाँ पे देखिए सेंड का ऑप्शन शो होगा आपको, उस पर आपको एंटर प्रेस करना है। अगेन आपको ओवरराइट टैली PDF आएगा, तो उस पर आप एंटर प्रेस कर दीजिए। विद इन अ मिनट्स अगर आपका ज़्यादा नंबर ऑफ इनवॉइसेस हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और कम है तो उसके अकॉर्डिंगली, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो PDF है वो एक्सपोर्ट हो चुका है सेल इनवॉइस का एंड सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं 1 of 3, यानी कि यहाँ पे जो टोटल इनवॉइसेस हैं 3 इनवॉइसेस हैं, आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं
सारे इन्वाइसेस एक बार में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सारे इन्वाइसेस को वन टू वन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने चेक कर लिया है। इस टैब से हमने यहाँ पे सबसे पहले जो सेल इन्वाइसेस है उसको एक्सपोर्ट कर लिया है। डेट आप कुछ भी रख सकते हैं, मंथली करना चाहते हैं तो मंथली डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके, सेव एज पे क्लिक करके हमें इस फाइल को पहले सेव करना है। सीओ को सेंड करने से पहले हमें इस फाइल को सेव करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको शो हो रहा है। तो यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी फोल्डर में आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे सो दैट ईजिली हम इस फाइल को सर्च कर सकें। डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट किया है। एंड उसके बाद आपको फाइल का नेम रखना है, जो भी आप फाइल का नेम रखना चाहते हैं। मैंने रखा है टैली सेल डेटा। तो सेव करने के बाद इस फाइल को मैं क्लोज कर देती हूँ एंड आपको शो करती हूँ जो हमने फाइल सेव किया है वो आपको डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आप अकाउंट्स में वर्क करते हैं एंड सीए आपसे कहते हैं कि एवरी मंथ आपको सेल की सॉफ्ट कॉपी उनको मेल करनी है या फिर व्हाट्सएप करना है या फिर पेन ड्राइव में देना है, तो इस टैब से आप उनको स्टोर करके दे सकते हैं। अब ये जो फाइल हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है, आप इसको व्हाट्सएप में भी अटैच करके सीए को सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस फाइल को मेल भी कर सकते हैं, मेल में अटैच करके। एंड अगर सीए कहते हैं कि इस फाइल को पेन ड्राइव में स्टोर करके दे दीजिए, तो आप पेन ड्राइव में भी इस फाइल को स्टोर करके दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सीए रिक्वायरमेंट। तो इस टाइप से आप इजीली एवरी मंथ सेल का जो डेटा है वो एक्सपोर्ट करके एंड अपने सीए को या फिर अपने बॉस को या फिर जो भी मांगते हैं उनको आप सेंड कर सकते हैं, जिस वजह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो इस टाइप से आप भी कर सकते हैं इजीली, आप वर्क को कीजिए। अगर कोई क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मुझे मेल के बजाय कमेंट्स कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने चैनल में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये ज्ञान भंडार का वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।